तो ये पहला स्टोन सर्कल है हम जो आपको दिखा रहे हैं। स्टोन सर्कल मतलब जैसे मैंने बोला था कि पहले के ज़माने में, अब कैमरा खाली चल रहा ना वर्त घेने दे दौड़ा। हाँ तो नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पंकज चौधरी में। और जैसे कि आपको पता है कि मैं नागपुर की अलग अलग जगह आपको घुमाते रहता हूँ, अलग अलग जगहों की सफ़र कराते रहता हूँ। तो आज हम ऐसे जगह आए हुए जो नागपुर की सबसे पुरानी जगह है, सबसे प्राचीन जगह है। तो स्टोन सर्कल क्या होती है ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जैसे हम गूगल मैप से आए थे, हम पहले एक्चुअली जूनापानी स्टोन सर्कल गए थे, लेकिन जूनापानी स्टोन सर्कल जो है वो अभी आता है गोरेवाड़ा प्रकल्प के अंदर, तो वहाँ पे पूरा बॉर्डर किया हुआ है, तो हम जूनापानी स्टोन सर्कल तो नहीं देख पाए। लेकिन अभी हम आ गए माउरजरी स्टोन सर्कल, गूगल मैप जैसे दिखा रहा था हम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे जाके हमें दिखाई दे रहे कुछ स्टोन सर्कल। तो अभी हम वहाँ जाके देखेंगे वो सच में स्टोन सर्कल है क्या कुछ और है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों हम आए थे, और अगर आप देखेंगे तो दूर से स्टोन सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर है जो यहाँ पे सर्कल में लगाया गया, इसलिए आप इसको स्टोन सर्कल बोल सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि इसके अंदर आप देखेंगे तो कुआ है। देखो रे बाबा, ये देखिए। और हमारे कैमरामैन साहब, इंजीनियर साहब हंस रहे। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरा स्टोन सर्कल हम ढूंढेंगे। चलिए आइए। और मैं पक्का बता सकता हूँ स्टोन सर्कल आगे है, दिख गए। यहाँ पे तीन स्टोन सर्कल है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। है बहुत सारे, एक दो तीन चार। तो दोस्तों यहाँ पे इतने स्टोन सर्कल है कि हम कंफ्यूज हो गए हैं, पहले कौन सा विजिट करें। चलिए आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पहला स्टोन सर्कल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख, मतलब तकरीबन फिर भी ईस्वी सन पूर्व 10,000 साल पहले, मतलब आज से 12,000 साल पहले, क्योंकि अभी 2000 चल रहा है, ईस्वी सन 2000 चल रहा है, और ये जो जगह है ये है ईस्वी सन पूर्व 10,000, मतलब आज हम जो जगह पे खड़े हुए हैं वो तकरीबन 12,000 साल पुरानी है, और आज भी है, मतलब आप उसको देख पा रहे हैं। तो ये जो स्टोन सर्कल है, आप हम दिखाते हुए चलेंगे, इसमें पूरे स्टोन जो है सर्कल में लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि वो दिखाए प्लीज़। देख पा रहे होगे कि ये जो स्टोन सर्कल है, जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर भी देख पा रहा हूँ, जरा अपन पास से देखेंगे तो समझ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 22, मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है उन्होंने भी यहाँ पे स्टडी की थी, और ये जो साइट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंडर में आती है। तो यहाँ पे उन्होंने नंबर दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 लिखा है। तो यहाँ पे तो विजिबिलिटी में 22 ऐसे स्टोन सर्कल होंगे, और आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोन्स है वो आधे गड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे।
कि ये जो है ये आधे से भी कम ऊपर है, बाकी सारा नीचे है। जैसे आपने फिल्मों में या विदेश में बाकी सारे स्टोन सर्कल्स की फोटो दिखाई होगी तो वो काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, खड़े हुए रहते हैं इंसान के बराबर स्टोन सर्कल। ये छोटे हैं क्योंकि ये देखिए जमीन के अंदर गड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने नेट पे सर्च किया है तो वहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी सारे स्टोन सर्कल जो है वो जमीन के अंदर थे, उन्हें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिन्होंने खोद के निकाला है। तो पहले हम देख लेते हैं पूरा चक्कर मार के कि किस तरह से है। आइए, चलिए बाकी भी स्टोन सर्कल दिखाते हैं मैं आपको। फोटो पर आल दो आज तिकड़े सीधा। तो दोस्तों शुरू है का शूटिंग, अभी काफ़ी पहली वाक्य हुआ। एक्चुअली हम शूटिंग कर रहे थे तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे खरगोश था एक्चुअली मेरे पैर के पास, और वो आवाज़ सुनती जो भागा सीधा, लेकिन दिख गया खरगोश था। क्योंकि देखिए आप, मैं आपको बताने वाला था, मेरे पीछे पूरा गोरेवाड़ा का जंगल है, आप ये देख पा रहे होंगे, पूरा दिखे पूरा जंगली एरिया है ना। और अगर थोड़ा आगे देखेंगे तो इधर गांव है माहूरजरी करके। तो कुछ चीज़ें जो आपके मन में आई होगी कि पहला कि स्टोन सर्कल किस लिए बनाए जाते हैं। तो स्टोन सर्कल जो है बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि एक दफन भूमि होती है, जहाँ पे उस समय के जो धनाढ्य लोग थे, संपन्न लोग थे, अच्छे थे, संभ्रांत लोग थे, उनको दफनाया जाता है। क्योंकि जब यहाँ पे खुदाई हुई थी, उत्खनन हुआ था, तो उससे जैसे ये जो पत्थर से इसके साथ में यहाँ पे उनको बोन्स भी मिले हैं और कुछ धातु की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ में जो स्टोन सर्कल्स होते हैं इनका एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, खगोलीय घटनाएं और खगोलीय चीज़ों के साथ स्टोन सर्कल्स को मिला के देखा जाता है। ये दूसरी चीज़ होती है स्टोन सर्कल के बारे में। और जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ माहूरजरी स्टोन सर्कल्स, वहाँ के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे दो साइट्स है, जैसे आपने सुना होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उस तरह से यहाँ पे एक है जूनापानी स्टोन सर्कल जो उस साइड में आती है, और दूसरा है कि माहूरजरी स्टोन सर्कल यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। और अगर आप दोनों साइट्स को मिलाए तो यहाँ पे तकरीबन 300 स्टोन सर्कल्स अवेलेबल है। और इस तरह से अगर इस पे और रिसर्च किया जाए तो यहाँ पे ये जो साइट है दोनों साइट मिला के ये शायद इंडिया की सबसे बड़ी स्टोन सर्कल वाली साइट हो सकती है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि चूँकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट जोग्राफिक इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं स्टोन सर्कल्स, और काफ़ी बड़ी जगह है, इसलिए इनको सबको ऊपर रिसर्च कर पाना, उतना ध्यान दे पाना अभी गवर्नमेंट को मुमकिन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अच्छे से हम रिसर्च किए
कर किए, अगर हम अच्छे से रिसर्च करते हैं तो इस स्टोन सर्कल के बारे में, इस जगह के बारे में बहुत सारी जानकारी निकल के सामने आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च हुआ है। जैसे मैं बता रहा था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने ये जगहों पे और अलग अलग स्टोन सर्कल पे रिसर्च किया था, लेकिन और बड़े पैमाने में रिसर्च होने की ज़रूरत है और ज़्यादा लोगों को ये पता होने की ज़रूरत है, ताकि वो भी हमारे इतिहास के बारे में जान चुके। अब भी तो तकरीबन 1200 साल पुराना है हमारे नागपुर का इतिहास, 12000 साल पुराना है नागपुर हमारा। इसकी जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, और इसके पूर्व भी मैंने अलग अलग जगह विजिट किए, जैसे हमारे अभी जो हम विजिट कर रहे हैं उसके अलावा वाकाटक उत्खनन है, जिसके बारे में मैंने विजिट किया था, लेकिन तब मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बनाता था, तो उसका यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं है, लेकिन मैं वो भी दिखाऊंगा आपके आपको। उसके बाद नगरधन किला भी मैंने दिखाया था आपको। तो ऐसे काफ़ी सारी जगह है जो हमको पता नहीं होती है नागपुर के बारे में, और नागपुर का जो एकदम समृद्ध इतिहास है वो भी हमको पता नहीं होता है। तो बस वही है कि हम आजू बाजू देखें, हमारे इतिहास को पता करें और आगे बढ़े। तो बस यही है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखे। और इसी के साथ, अगर आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है हमने ये वीडियो के लिए, काफ़ी जंगल में आए, अभी वहाँ से खरगोश निकला था, सांप भी निकल सकता था, तो काफ़ी अच्छा रहा ये जगह का, और हम एक्सप्लोर करते रहेंगे आपके लिए। तो बस यही गुजारिश है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कीजिए, जो भी सजेशन हो आपके बिल्कुल कमेंट करके बताइए हमको, और इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर से हम नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।